अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आई एम अ होम बेकर एंड यू आर वाचिंग बेक मी। सो आज मैं आपके साथ जस्ट इन 5 to 10 मिनट्स में बन जाने वाला डिज़र्ट स्ट्रॉबेरी डिलाइट की रेसिपी शेयर करूंगी विद लेफ्ट ओवर थिंग्स एंड इट विल टर्न डिलिशियस। आप इसको ईद पर किसी भी पार्टी दावत में या किसी को भी गिफ्ट करने के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और इसको इन्जॉय कर सकते हैं। बिफोर दैट सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स और कुछ कैरमल बिस्किट्स लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं लेफ्ट ओवर चीज़ों से बना रही हूँ, तो जो जो चीज़ें मेरे पास बनी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी। सो आप इसकी जगह मैरी बिस्किट भी ले सकते हैं या कोई भी आप विदाउट क्रीम वाला बिस्किट ले सकते हैं। सो इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, फाइनली क्रश कर लिया था, और अब इसको ताकि जो क्रस्ट है वो बहुत इवनली और परफेक्टली बन जाए। सो यहाँ पे मैंने फॉइल कंटेनर लिया है क्योंकि मैंने सेंड करना था किसी को, इस वजह से मैं इसी के अंदर ये डिज़र्ट बनाऊंगी। अब मैं जो मैंने बिस्किट्स क्रश किए थे उसको मैं इवनली पूरे कंटेनर की बेस में स्प्रेड कर दूँगी। सो बेस यहाँ पे मैंने इवनली स्प्रेड कर दी है, उसकी लेयर एक क्रस्ट की बना दी है। अब इसके बाद जो मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली थी, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, इसका मैंने उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी थी, और अब इसकी एक थोड़ा सा मैं स्पून के साथ ही इसको भी स्प्रेड कर दूँगी। ये मैंने केक लिया था, ये मैंने बनाया था, इसकी भी वीडियो जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको भी मैंने थोड़ा सा इसके क्रम्स बना दिए थे, इसको थोड़ा सा क्रश कर दिया था, ब्लेंड कर दिया था। अब इसकी लेयर अब मैं लगाऊँगी इस केक की, अब प्रॉपरली अच्छे से लगाऊँगी क्योंकि ये चॉकलेट केक था और इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी मैं मीठा या एक्स्ट्रा कोई भी मैं शुगर ऐड नहीं करूँगी। जो इन्ग्रीडियंट्स में ऑलरेडी है उसी के साथ हम इस डिज़र्ट को बनाएंगे। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप क्रश में जब आप स्ट्रॉबेरीज क्रश करेंगे, ब्लेंड करेंगे, उसमें आप थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, बट नो नीड टू ऐड एक्स्ट्रा शुगर। सो यहाँ पे मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है, इसको मैंने सिर्फ व्हिप्ड किया, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया क्रीम में। अब इसके अंदर जो मैंने क्रश बनाया था स्ट्रॉबेरी का, उसको मैं ऐड करके, तो 2 to 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किए थे, और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से और लास्ट लेयर हम इसकी लगा देंगे डिज़र्ट के ऊपर। क्रीम को इवनली स्प्रेड कर देना है लेवल करके ताकि कोई भी साइड जो है वो अनइवन ना हो। सो यहाँ पे क्रीम की लेयर को मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया था और इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। आफ्टर दैट मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप लिया था और कॉर्नर से इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हुए इसको कवर कर दिया था, और उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज करके तो टूथपिक के साथ मैंने उसकी लाइंस एक दफ़ा फिर ड्रॉ कर दी थी। इससे ये खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन बन गया था। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप जिस तरह से भी इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और फिर कॉर्नर पे मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज जो थी उनको मैंने चॉप किया था और उसके कॉर्नर्स सारे जो थे वो फिल कर दिए। सो स्ट्रॉबेरी डिलाइट डिज़र्ट इज़ रेडी। आप इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखें ताकि ये प्रॉपरली चिल हो जाए, देन इसको इंजॉय करें फैमिली के साथ, और आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं बना के। इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।